चलिए, प्लस माइनस आपने काफ़ी किया होगा, तो अब हम ऐसा लाइन में कैसे प्लस माइनस करते हैं, किसी लाइन में से किसी लाइन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और कंपास की मदद से, तो इसे सीखेंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस लाइन सेगमेंट ए बी जो कि 7.3 सेंटीमीटर का है, इसमें से आपने सी डी यानी 3.4 सेंटीमीटर की इस लाइन सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो ये हो सकता है कि आप 7.3 में से सब्ट्रैक्ट का मतलब हटाना है, माइनस करना है, तो 7.3 में से 3.4 हटा दीजिए। तो 3.4 को हटाने का एक आसान तरीका है, तो जितना ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये 3.4 है, इतना मेजर करके इसमें से उतना काट देते हैं, जो बच जाएगा वो डिफरेंस हो जाएगा, तो ऐसे माइनस करेंगे। फिर चाहे तो आप बची हुई लेंथ को अलग से ऐसे बना सकते हैं जैसे हमने एक्स वाई बनाया। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें से 7.3 में से 3.4 को माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम कंपास कर लेंगे, हमें एग्जैक्टली इसे मेज़र करना होगा, 3.4 मेज़र कर लिया, इतने को हम इसमें से कैंसिल आउट करेंगे, ये कैंसिल आउट कर दिया, इतना कैंसिल आउट। अब हमें जो ये बाकी बच गया है इसको नापना है, तो नापने के लिए हम इसे यहीं पर रखेंगे, इसे मूव करेंगे और ये हम इसे ये हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप लिया, ये डिफरेंस है, ये आंसर है हमारा, ये इतना हमने हटा दिया, 3.4 ये था, तो 3.4 में वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब जो ये बच गया है इसको हम यहाँ पर लाते हैं, इसको मूव करके यहाँ पर इसे ऐसे रख देते हैं, या अलग से भी आप ऐसे ले सकते हैं, और ये आप बनाते हैं ऐसे ड्रॉ कर दीजिए एक छोटा सा आर्क, और आपने इन दोनों लाइन का डिफरेंस को, डिफरेंस लाइन सेगमेंट को हम यहाँ ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो इस पॉइंट को इस आर्क के किसी भी एक पॉइंट से आप जोड़ सकते हैं और आपका आंसर बन के तैयार। सो ये लीजिए ऐसे, ये हमने जोड़ दिया, तो इसको आप नाम दे सकते हैं एक्स वाई, तो फिर से सही।